गलत तरीके से रोटी बनाना कैंसर को दावत। मेलबर्न एजेंसी, रोटी को गलत तरीके से बनाया जाए तो कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो हेलो फ्रेंड, वीडियो में आगे जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें। ऑस्ट्रेलिया में हुए अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। अध्ययन के अनुसार यदि आप चपातियों को उच्च तापमान पर पकाते हैं तो कार्सिनोजेनिक यौगिकों का उत्पादन होता है। इससे सांस लेने में दिक्कत होती है। इससे अस्थमा के रोगी अधिक पीड़ित हो सकते हैं। इस अध्ययन को न्यूट्रिशन एंड कैंसर जर्नल में प्रकाशित किया गया है। अध्ययन के अनुसार कुकटॉप्स और एलपीजी गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कई खतरनाक गैसों का उत्सर्जन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि ये गैस सेहत के लिए खतरनाक है। यह श्वसन विकार, कैंसर और हृदय संबंधी विकारों का कारण बनता है। इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक डॉक्टर पॉल ब्रैंट ने बताया कि रोटी को गैस पर पकाने से एक्रिलामाइड नामक रसायन पैदा होता है। इसके अलावा सीधे गैस की आग पर पकाने से कार्सिनोजेंस पैदा होते हैं जो खतरनाक है। उत्तर भारतीय घरों में भोजन के लिए रोटी बनाना रोजाना का एक सामान्य रूटीन है। कई लोग तवे पर रोटी को आधा पकाने के बाद उसे चम्मच की मदद से सीधी आंच पर पकाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, वीडियो में जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऑफ कोर्स वीडियो को लाइक करें। चपातियों को उच्च तापमान पर पकाने से कार्सिनोजेनिक यौगिक का उत्पादन होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए मुताबिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है ये यौगिक। उत्तर भारतीय घरों में भोजन के लिए रोटी बनाना रोजाना का एक सामान्य रूटीन है। कई लोग तवे पर रोटी को आधा पकाने के बाद उसे चिमटे की मदद से सीधे आंच पर पकाते हैं।